Good morning, dear friends, and greetings in Jesus' name, and welcome to this new day, and welcome to the meditation time from Life Spring Assembly, Lucknow. सुप्रभात मेरे मित्रों, और आज की सुबह में आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे लाइफ स्प्रिंग असेंबली ऑफ गॉड कलीसिया के इस सुबह के मनन के समय में. इज इन गॉड गुड? क्या परमेश्वर भला नहीं है? इज इन दी सो फेथफुल एंड काइंड? क्या परमेश्वर इतना दयावान और नम्र नहीं है? And in his faithfulness and love, he has given us this beautiful day. और अपनी विश्वास योग्यता और प्रेम में उसने एक और नए दिन को हमें दिया है. May we live profitably and redeeming the time and bring glory and honor to the Lord Jesus Christ. और होने पाए हम सब एक लाभ के साथ अपने इस जीवन को बिताने पाए जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले. The word of God is meant to change us. और परमेश्वर का वचन इसलिए है कि वो हमें बदलता चला जाए. That is the purpose of a prayer as well. और यही उद्देश्य है प्रार्थना का. And so when we send out the word with prayer combined together, there will be tremendous changes can happen if we listen and apply this word into our practical life. और इसलिए जब प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के वचन को भेजते हैं, एक बहुतायत और बड़ा सामर्थ्य उससे निकलता है और उससे हमारे जीवन में एक बदलाव और परिवर्तन की ओर हम बढ़ते हैं. Today's meditation is centered around Revelation chapter 1 verses 10 to 17. और आज का जो हमारा मनन है उसे हमने लिया है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय 10वें वचन से लेकर 17वें वचन तक. एंड दिस पैसेज इज अ वेरी रिच पैसेज. और वचन का ये भाग काफी समृद्ध भाग है. द टाइटल विल बी द ग्लोरिफाइड जीसस. और इसका शीर्षक होगा महिमामय यीशुमान. आवर मेडिटेशन विल बी ऑन दिस पैसेज ऑल 3 डेज ऑफ दिस वीक. और इस हफ्ते में हम तीनों दिन इसी शीर्षक पर अपने मनन को रखेंगे. व्हाट डू यू हियर? यू हियर द लाउड वॉइस ऑफ जीसस प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ एज द अल्फा एंड ओमेगा. और आप क्या सुनते हैं? आप सुनते हैं एक ऊंचे स्वर को जिसमें खुद यीशु मसीह अपने आप को आदि और अंत बताता है. एंड ही इज द फर्स्ट एंड द लास्ट. और वही शुरुआत आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है. एज द फर्स्ट ही इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोर इम्पोर्टेंट than anyone else. और पहलौता होते हुए वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंचा है किसी और बात से. And as the last, he will never be replaced. और अंतिम होते हुए उसे कभी कोई दूसरी बात उसका स्थान नहीं ले सकती. No other messiah will ever take his place. और कोई दूसरा मसीहा है ही नहीं जो उसका स्थान ले सके. No one else be the King of Kings and Lord of Lords. कोई दूसरा भी प्रभुओं का प्रभु या राजाओं का राजा नहीं ठहर सकता. And his throne will be eternal. और उसका सिंहासन अनंत का होगा. John turned to see the voice. और यूहन्ना मुड़ा कि वो उस आवाज की ओर देखे. And what did he see? और उसने क्या देखा? He saw 7 golden lampstands. उसने देखा वो सोने के 7 लैंप जो वहां मौजूद थे. एंड दीस लैंप रिप्रेजेंट द 7 चर्चेस. और ये 7 दीप दिखाते हैं 7 कलीसियाओं को. एंड गोल्ड स्पीक्स ऑफ क्राइस्ट इन ऑल हिज डीटी. और ये सोना बात करता है प्रभु यीशु के विषय में जो उसकी पूरी दैवीयता में वहां पर वो मौजूद है. एंड इन ऑल हिज ग्लोरी. और उसकी पूरी महिमा में. For the church is the body of Christ. क्योंकि कलीसिया परमेश्वर प्रभु यीशु की देह है. Verse 13. और इसीलिए 13वें वचन में इस बात को हम देखते हैं. Verse 13 13 says, and in the midst of the lampstands one like a son of man, clothed with a long robe and with a golden sash around his chest. और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पुटका बांधे हुए था. The 7 churches needed to know that Christ was still in their midst. और उन 7 कलीसियाओं को यह जानना आवश्यक था कि वो यीशु उनके बीच में मौजूद है.
persecuted, and yet Christ is in their midst. और सताव तो उन्हें मिलता था, लेकिन फिर भी उस सताव के बीच में भी यीशु उनके बीच में मौजूद है. And who is and what is Jesus Christ? और ये यीशु मसीह है कौन? Is the all-conquering King. वो तो सारी बातों पर विजय पाने वाला राजा है. So I'd like you to notice a few things. और इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ बातों पर आप अपने ध्यान को लगाएं. First of all, notice his clothing. पहले देखें उसके कपड़े, उसके वस्त्र कैसे हैं. And his clothing indicates priestly dignity. और उसके कपड़े दर्शाते हैं एक याजक के तरह सम्मान और आदर. It also signifies royal office. और उस बात को भी दर्शाते हैं कि एक राजकीय पदक या एक उपाधि उसके पास मौजूद है. So the garment was like that worn by priests and kings. और वो कपड़े या वस्त्र जो वो पहना हुआ, मनुष्य का पुत्र पहना हुआ था, वो ऐसे वस्त्र थे जो महायाजक या राजा पहनते थे. And secondly, दूसरी बात, you will notice a belt or band of pure gold around his chest. और हम देखते हैं कि कैसे उसके छाती पर उसने सोने के पटके को पहना हुआ है. And a mark of triumphant royalty. और जो कि इस बात को दर्शाता है कि कैसे एक विजयी राजकीय राजकर्ता उसके पास मौजूद है. And the description given in verses 14 and 15. और जिस बात को दर्शाया गया है 14वें और 15वें वचन में. Apply to God Himself. वो परमेश्वर के लिए ही सिर्फ लागू होती है. So what we read, the hairs of his head were white. Like white wool, like snow. His eyes were like a flame of fire. His feet were like burnished bronze, refined in a furnace. And his voice was like the roar of many waters. उसके सिर और उसके बाल श्वेत ऊन वर्ण पीले पाले धागे समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी. उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था. And the same description is given about God the Father as well. और इसी वर्णन को दिया गया है पिता परमेश्वर के विषय में भी. And John therefore is making it clear that all the attributes of God are also attributes of the Son of God. और इसलिए यूहन्ना इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि जो चरित्र, जो स्वभाव पिता परमेश्वर का गुण में पाया जाता है, वही सारे गुण परमेश्वर पुत्र के चरित्र में भी पाए जाते हैं. No other signs or mark is needed to be convinced. For us to be convinced that Jesus Christ is God. और इसलिए आप कोई दूसरे चिन्ह की हमें आवश्यकता नहीं है इस बात को साबित करने के लिए कि यीशु ही परमेश्वर है. So the Bible makes it very clear that the Son has been given all the power and authority. और इसलिए पवित्र शास्त्र इस बात को बड़ा स्पष्ट बताता है कि पुत्र को ही सारा अधिकार और सामर्थ्य सौंपा गया है. फॉर व्हाट? किस लिए? बोथ टू रूल एंड टू बी द वर्ल्ड्स जज. ताकि वो न्याय करने पाए और संसार का न्यायाधीश ठहरने पाए. एंड द थर्ड थिंग यू नोटिस, और जो तीसरी बात को आप देखते हैं, द व्हाइटनेस ऑफ द हेयर रिप्रेजेंट्स two things. और जो उसके श्वेत बाल हैं वो दो बातों को दर्शाते हैं. Number one, पहली बात, absolute purity and dazzling splendor of his holiness. कि किस रीति से वो बड़ा सिद्ध रूप से पवित्र है. Hallelujah. और कितना अद्भुत और महानता के साथ वो सुंदर है. Hallelujah. Hallelujah. And secondly, दूसरी बात, we sing of we see it in the book of Daniel
where he says he saw one like the ancient of days. और दानियल नबी की पुस्तक में हम इस प्रकार पढ़ते और देखते हैं जहां पर दानियल नबी ये कहता है कि उसने एक ऐसे पुरुष को देखा जो पुराने युगों के समान या वृद्ध था. And that shows the eternal eternity of Christ. और ये बात दर्शाती है प्रभु यीशु मसीह की अनंत कालता को. We read it in Daniel chapter 7 verses 13 and 14. और दानियल नबी की पुस्तक उसका सातवां अध्याय 13वें और 14वें वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं. God the Father is eternal. और याद रखिए परमेश्वर पिता अनंत है. That means nobody created, he is uncreated. और इसलिए याद रखिए किसी ने परमेश्वर को बनाया नहीं. And God the Son is eternal and uncreated as well. और परमेश्वर पुत्र भी अनंत है और उसे भी किसी ने नहीं बनाया. Now the fourth thing to notice is the eyes. और चौथी बात जो इस वचनों में हम देख सकते हैं उसकी आँखें. It says here his eyes like a flame of fire. और वहाँ पर लिखा है उसकी आँखें आग की ज्वाला के समान थी. And that talks about the penetrating wisdom. और वो बात करता है परमेश्वर के भेदने वाले ज्ञान के विषय में. And righteous judgment. और उसके धर्मी या धार्मिक न्याय देने के विषय में. Nothing escape his eyes. और कोई भी बात उसकी आंखों से छिप नहीं सकती. And nothing escape his knowledge. और कोई भी बात उसके ज्ञान से नहीं छिप सकती. There is no higher knowledge or wisdom and understanding than the wisdom and understanding of God himself. और इससे ऊंचा ज्ञान और विषय या समझ है ही नहीं जो परमेश्वर की समझ और ज्ञान है. And fifthly, notice his feet. और पांचवी बात आप उसके पांवों को देखें. The finest burnished bronze. जो उसके पैरों को दर्शाया गया है उत्तम पीतल के समान जो मानो भट्टी में तपाया गया हो. And is like a fire refined. और एक ऐसे पैर उत्तम पीतल के समान जो भट्टी में तपाया गया. And it speaks of strength. और जो दर्शाता है उसके शक्ति या सामर्थ्य को. It also speaks of the brazen altar in the temple. और वो दर्शाता है साथ ही साथ उस तांबे या के उस वेदी को जो हम मंदिर में पाते हैं. And sixthly, notice how his voice. और छठी बात को आप देखें जो कि उसकी आवाज है. His voice is as the sound of many waters. और ये वचन में लिखा है कि उसकी आवाज उसके मुख से निकला शब्द कई सारे पानी के समान है. Loud and clear. और जो कि बहुत ऊंचा और स्पष्ट है. The voice of God. और परमेश्वर की वाणी. What a mighty God we serve. और कितना सामर्थी परमेश्वर की सेवा हम करते हैं. My brothers and sisters, this is a description of the vision that John was given of Jesus. और मेरे भाइयों और बहनों ये वो वर्णन है उस दर्शन का जो यूहन्ना को प्राप्त हुआ परमेश्वर से. We will continue this. और हम इस अध्ययन इस मनन में अपने आप को आगे बढ़ेंगे. But today we close here. लेकिन आज के दिन के लिए हम इस मनन को यहाँ समाप्त करते हैं. I want you to read this description in the book of Revelation chapter 1. और मैं चाहता हूँ कि आप प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय 10वें वचन से लेकर 17वें वचन तक इस वर्णन को जरूर पढ़ें. Meditate on it. और इस पर इन वचनों पर आप मनन करें. And try to understand. I mean, we will never be able to fully understand the greatness and the majesty and the royalty of Jesus. और समझने की कोशिश करें उस महानता को उस पवित्रता को उस राजकीयता को. But that is what our God is. लेकिन यही तो हमारा परमेश्वर है. He is our savior. वो तो हमारा उद्धार करता है. And he is our Lord. और वो हमारा प्रभु है. And the best thing that anyone can do in this life in the world is to serve him.
और इसलिए सबसे उत्तम बात जो ये कर सकता है इस जीवन में वो है उसकी सेवा करना। We sing a chorus, a simple chorus. और हम एक गीत को गाते हैं जो बहुत साधारण सा गीत है। What a mighty God we serve. कितने सामर्थी शक्तिशाली परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। What a mighty God we serve. कितने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। Heaven and earth adore him. स्वर्ग और पृथ्वी उसकी आराधना करते हैं। Angels bow before him. स्वर्ग दूत उसके सम्मुख दंडवत हो जाते हैं। What a mighty God we serve. कितने शक्तिमान परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। And my friends, और मेरे मित्रों, is there any reason for us to be afraid of? क्या ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से हमें भयभीत होना है? No. नहीं। No fear at all. कोई भी भय नहीं। Because the one whom we serve, क्योंकि एक जिसकी सेवा हम करते the हैं, the one whom who lives within us, और वो जो हमारे भीतर जीवित है, is greater than he that is in the world. वो उससे जो इस संसार में है कहीं बड़ा। So as you live your life today, और इसलिए जैसे आज के दिन आप अपने जीवन को जीते हैं, whom you serve, आप याद रखिए किसकी सेवा आप you करते हैं। You serve this God about whom the revelation says is alpha and omega, the first and the last. और आप इसी परमेश्वर की सेवा करते हैं जो प्रकाशित वाक्य में बताता है कि वो अल्फा ओमेगा आदि और अंत है, the beginning and the end. और वो ही आदि और अंत है। Hallelujah. Hallelujah. And that means he has already seen the end from the beginning. और इसका मतलब यह है कि उसने शुरुआत से ही अंत को देख लिया है। He has seen you. उसने आपको देख लिया है। And your end also is, he has already seen. और उसने आपके अंत को भी देख लिया है। So there should be no fear. और इसलिए आप कोई भय नहीं होना If चाहिए। you are a sincere, faithful follower of Christ. और अगर आप सच्चे और प्रभु यीशु मसीह के अच्छे और सच्चे विश्वासी योग्य सेवक हैं। You know that all your steps are already ordered by him who with whom we have to do. तब आप इस बात को जानते हैं कि आपके सारे कदम उसी के द्वारा चलाए गए हैं। So live to glorify him. और इसलिए आप जिएं कि उसे महिमा देने पाएं। Serve him faithfully. और उसकी सेवा करें विश्वास योग्यता के अनुसार। Whatever we do to please him. और इसलिए जो कुछ भी हम करते हैं हम उसे प्रसन्न करने के लिए करें। And glorify him. और उसको महिमा देने के लिए। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Lord, we thank you for speaking to us. परमेश्वर धन्यवाद हम सबसे बात करने के लिए। Certainly we have a wonderful, great, big God. और सच में हमारे पास एक महान और बड़ा परमेश्वर है। Is bigger than you are bigger than any mountains and bigger than any problem. और आप किसी भी समस्या किसी भी पहाड़ या चोटी से बड़े हैं। So let there be no fear in our hearts. और इसलिए होने दे कोई भी भय हमारे भीतर ना। For you are with us. क्योंकि तू हमारे संग है। Thank you. धन्यवाद। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God's blessing be upon you today. परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो आज के दिन। Rejoice in the Lord. परमेश्वर में आनंदित हो जाएं। Amen.